नमस्कार, मैं अवितेश अग्निहोत्री। राम मंदिर निर्माण मुद्दा समाप्त होते ही संघ और उससे जुड़े संगठनों ने काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण की बात करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक यह बातें दबी जुबान से ही हो रही थीं, लेकिन इनकी खुसफुसाहट सुनी जाने लगी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास सरयू नदी का जल लेकर मंगलवार शाम को मथुरा पहुंचे। महंत श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी हैं। वह सरयू नदी का जल भगवान कृष्ण का अभिषेक करने के लिए लाए थे। हालांकि महंत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर किसी तरह का आंदोलन चलाने की बात से इनकार किया, लेकिन यह भी बोल दिया कि अयोध्या के बाद अब मथुरा का नंबर है। भगवान का कृष्ण का अभिषेक करने के लिए सरयू नदी का जल लाने के भी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास ने मथुरा को लेकर किसी आंदोलन की योजना से इनकार तो किया, लेकिन इशारों इशारों में जाहिर भी कर दिया कि अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मथुरा को लेकर मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद नहीं है और दोनों की जगहें अलग अलग हैं और मथुरा के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी के दौर में जन्माष्टमी के आयोजन पर उन्होंने ये भी कहा कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी ब्रजवासियों की परंपरा और भावनाओं के अनुसार ही मनाई जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या मथुरा और काशी अभी भी हिंदू संगठनों की लिस्ट में है, तो महंत ने जवाब दिया कि अयोध्या, काशी, मथुरा, अवंतिकापुरी, कांची, माया, हरिद्वार, ये सप्तपुरियां मोक्ष देने वाली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर है, फिर काशी और हरिद्वार का नंबर है। दूसरी तरफ मथुरा कोतवाली के अंतर्गत आनंद वाटिका के रहने वाले एक साधु के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष और संत देव मुरारी बापू ने अपने कार्यालय में एक बैठक आयोजित कर भड़काऊ भाषण दिया और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाने का आह्वान भी किया। पुलिस का कहना था कि देव मुरारी बापू के भाषण से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था, इसलिए मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि राम मंदिर मुद्दा खत्म होने के बाद मथुरा और काशी के एजेंडे को धार देने की योजना पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन संघ परिवार यह परख लेना चाहता है कि क्या मथुरा का मुद्दा भी अयोध्या जैसा धारदार बन पाएगा। कबीर न्यूज के आगरा मंडल प्रभारी अभय कबीर पंथी की तरफ से समस्त भारतवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं।